स्वास्थ्य विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद रेवाड़ी में मिलावटी मिठाइयों का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। हालांकि दिवाली का त्यौहार आने में अभी कुछ दिन रह गए हैं, लेकिन इन कारखानों में गंदगी इतनी है कि अगर कोई यहां मिठाई बनती देख ले तो मानो मिठाई खाना ही छोड़ दे। दिवाली के त्यौहार पर लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली मिठाइयाँ खाने को मिले, इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इन कारखानों पर छापेमारी करते हुए मिठाइयों के सैंपल ले रही है। इसी के चलते सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज रेवाड़ी जिला के औद्योगिक कस्बा धारोड़ा स्थित सोना रोड पर मिठाइयों के गोदाम पर छापेमार कार्रवाई करते हुए वहां से 7 मिठाइयों के सैंपल लिए। इस दौरान टीम ने कारखाने में साफ सफाई की खास तौर पर जांच की तथा कारखाना मालिक को सफाई रखने के निर्देश दिए। आज हमें सैंपलिंग में दूध प्रोडक्ट ज़्यादातर मिले हैं, जिसमें दूध भी है, पनीर, खोया, रसगुल्ला, डोडा बर्फी, काजू कतली और भी कई तरह की मिठाइयाँ यहाँ पे जो बनाई जा रही हैं, जिसमें से हमने आज 7 सैंपल लिए हैं, जिसमें दूध है, पनीर है, खोया और मिल्क केक। ये विशेष तौर पर हमने ध्यान से, मतलब जो बड़ी मात्रा में हमें यही चीज़ें मिली थी जिनके हमने सैंपल ले लिए आज। दूसरी बात करें साफ सफाई की, और किस तरह की जो यहाँ कमियाँ देखी गई? अभी तो साफ सफाई का ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस माहौल में, क्योंकि अभी बड़े लेवल पर प्रोडक्शन चल रही है तो इस और काफ़ी जगह सप्लाई होती है इनकी मिठाइयाँ, तो साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है इनको। लाइसेंस वगैरह हमने इनके चेक कर लिए हैं, लाइसेंस है इनके पास, पंजीकृत किया हुआ इन्होंने अपने आप को। लगता नहीं कि साफ सफाई की कमी है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल कमी है, इनको निर्देश दे दिए हमने जो आवश्यक निर्देश जो भी हैं। अब हाल फिलहाल में जो भी है सब लॉकडाउन का हवाला देते हैं, लेकिन फिर भी हमने इनको बता दिया है कि लॉकडाउन का इसमें कोई रोल नहीं है। लगातार आपका जो अभियान चल रहा है, बात करें अकेले धारवाड़ा औद्योगिक कस्बा है, कितने अभी तक सैंपल यहां पर लिए जा चुके हैं? इसके अलावा रूटीन में हमने सैंपलिंग जो पहले की थी, जो सीएम फ्लाइंग के अलावा जो हमारे डिपार्टमेंट की रूटीन सैंपलिंग है, उसके अंतर्गत तो हमने अभी एक महीना पहले भी यहाँ से 4-5 दुकानों से सैंपल लिए थे। उसके बाद आज हमें जो सीएम फ्लाइंग की थ्रू टिप मिली, उसमें फिर हम यहाँ पे दोबारा गोदाम पे छापा मारने आए हैं और यहाँ से सैंपल लिए हैं। अभी कब तक चलेगा आपका ये अभियान? पूरी उम्मीद है कि दिवाली तक इसी तरह निरंतर हमारा ये अभियान चलता रहेगा सीएम फ्लाइंग के साथ, और जहाँ जहाँ भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी हम वहाँ जरूर पहुँचेंगे।